Om Shanti. A very warm welcome to my dear audience. मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है Path of Success. ये जो सीरीज है इसमें हम आपको रूबरू कराएंगे उन सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज से जो कि स्पिरिचुअल लाइफ का बैलेंस लेते हुए अपनी पर्सनल लाइफ को एनहांस कर रहे हैं सक्सेस के लेवल पर. हम सभी जानते हैं समटाइम्स इट्स इजी टू अचीव सक्सेस बट इट्स बिट डिफिकल्ट टू मेंटेन द सक्सेस इन एवरीबडीज लाइफ और इन एनीवनस लाइफ. आज हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने मेडिकल फील्ड में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है जहां वो एक तरफ जनता की सेवा कर रही हैं, मात्र फिजिकल लेवल पर ही नहीं लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर भी वो किसे मेंटेन कर रही हैं, अपने आसपास किस तरह से एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट मेंटेन कर रही हैं, कि हम जानेंगे उन्हीं से. तो मैं स्वागत करना चाहूंगी आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर वंदना जी का. डॉक्टर वंदना जी एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं. ओम शांति डॉक्टर वंदना जी. ओम शांति. शी इज MS इन ऑप्थेल्मोलॉजी फ्रॉम मेडिकल कॉलेज टांडा. बिफोर दैट शी डिड हर MBBS फ्रॉम मेडिकल कॉलेज नागपुर. You can understand it's difficult to pursue this degree in India, specifically because these degrees are very high rated in sentence of money as well as in case of study also. She did that in her professional life. Along with that, she is maintaining her life with spiritual aspect. आज हम जानेंगे कि किस तरह से वो स्पिरिचुअल लाइफ में आई और क्या क्या उनको इस लाइफ से मिला और कैसे वो इसको यूटिलाइज कर रही हैं, नॉट ओनली फॉर हर सेल्फ बट फॉर हर पेशेंट्स एंड एज वेल एज फॉर द सोसाइटी. तो अब मैं चाहूंगी कि हम वंदना जी की तरफ रुख करते हैं. डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस फिलॉसफी के टच में कैसे आए. ओम शांति. ओम शांति. ये 2002 की बात है, तब मैं MBBS करने चली गई थी. मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ था. तो आज अगर उन बात याद करूं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में अपना ये बताना चाहूंगी. मैं बचपन से थोड़ी सी रिलीजियस थी कि मेरा डीप थिंकिंग था कि अगर लाइफ में आपको कभी बढ़ना है आगे, आई एम वेरी फोकस्ड लाइक स्टूडियस और टॉपर, तो आपको एक अच्छा आपका बैकअप होना चाहिए, आपकी कोई मतलब आपके मॉरल्स कुछ होना चाहिए, आपको अच्छी वैल्यूज होनी चाहिए. तो हम सोसाइटी में देखते हैं कि क्या हालत है, तो मैं हमेशा किसी अच्छी टीचिंग्स जो भी मेरे को कहीं से भी कुछ भी मटीरियल मिलता था तो मैं उसको सुनती थी और उससे मुझे लगता था कि चलो मेरी लाइफ चली है. इवन जैसे ही 12th किया मैंने ऑल इंडिया करके, मैं MBBS में सिलेक्ट होके अपने पेरेंट्स से दूर GMC नागपुर वहां पहुंची. तो वो मेरे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था. अब एक ऐसी बच्ची थी मैं जो घर में कभी कुछ किया नहीं, ओनली स्टडीज और शाई, और वहाँ जब आप देखते हो कितने वैरायटी लोगों से आपका डीलिंग है, इतना एक्सपोजर आपको मिल रहा है, तो अब मैं अपनी वैल्यूज को अपने आप को कैसे सस्टेन करूँ, मेरे लिए क्वेश्चन उठ गया था. और मुझे हर चीज़ प्रैक्टिकल चाहिए थी करके. अब हम जो भी करते हैं, जैसे उस वक्त मुझे याद है मैं शुरू में छोटा मोटा मैंने बहुत ज़्यादा तो भक्ति का नहीं किया, लेकिन जैसे ओम नमः शिवाय या जोत जलाना, तो लास्ट में मुझे याद है वो 6 months मेरे अंदर से आता था कि अब मुझे कुछ ऐसी नॉलेज मिल जाए कि मेरी इनर जोत जल जाए. तो ऐसे क्या इतनी इनर मेरी विल हुई, और जैसे वो कहते हैं ना विल होती है तो आपको वे भी मिल जाता है. तो ऐसे ही मैं जब अपनी छुट्टियों में आई थी तो मैं ऐसे मैंने किसी के द्वारा मेरे घर पे एक लेडी आई थी, वो सुना रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि आज की दुनिया में जो आज एक दूसरे को लोग टांग खींचते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कोई अच्छी बातें बता रहा है, पुश कर रहा है अच्छी जगह जाने के लिए. तो मैंने सबसे पहले सेंटर विजिट किया तो वहाँ की जो शांति थी उसने मुझे बहुत इंप्रेस किया. फिर हमने ये 70s का राजयोगा का कोर्स किया, मेरी मदर ने भी किया साथ में. तो मैंने उन्हीं 7 दिनों में ऐसा महसूस किया कि जो एक जो टर्मोइल अंदर चल रहा है, एक तो स्टडीज हैं, दुनिया है, एक्सपोजर है, वो मेरा बिल्कुल शांत हो गया. मुझे मेरे हर जो मेरे अंदर क्वेश्चंस थे लाइफ के बारे में, अपने आइडेंटिटी के बारे में करके, जब हम इतनी ज़्यादा स्टडी करते हैं ना तो हमारा जो अंदर है वो खालीपन आ जाता है करके. हम बाहर का तो सब कुछ मिल जाता है हमें, लेकिन अंदर और इनर स्ट्रेंथ नहीं है तो बाहर हम ग्रो नहीं कर पाते. तो जैसे मेरी लाइफ में स्टॉप लग गया था MBBS तो करी, अब नेक्स्ट क्या,
तो वो जो स्टॉप था, वो जो मुझे वहां से जो नॉलेज मिली वो, और जो मैंने मेडिटेशन का अभ्यास किया, उसने मुझे बहुत पावर दी और मेरी लाइफ आगे मूव ऑन हुई करके, और मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, मेरी टोटल पर्सनैलिटी चेंज मैं कह सकती हूँ एक तरह से. तो ऐसे मैं इस ज्ञान के टच में आई. टू नो कि जैसे आपने मुझे बताया कि आपको एकदम शांति का अनुभव हुआ एंड दैट ऑल टर्मोइल्स हैज गॉट फिनिश्ड, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने रिलाय कैसे किया उसके चलते हुए भी, टर्मोइल फिनिश हो गया लेकिन आपको ऐसा कैसे फील हुआ कि 100% यही भगवान है या यही सत्यता है, आपको ये फॉलो करना चाहिए. बीइंग अ डॉक्टर इट्स डिफिकल्ट राइट बिकॉज यू आर साइंटिफिक, तो आपने कैसे उस पर रिलाय किया और कैसे चूज किया? बिल्कुल मैं ऐसे जीना. हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बचपन से ऐसी ही पर्सनैलिटी हूँ कि अगर कोई मुझे कहे कि आप ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, मैं उस पर कभी बिलीव नहीं करती. आई एम नेवर बी ए ब्लाइंड फॉलोअर और नेवर बी ए इन्फ्लुएंस, किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी, मैं सबका सुनती हूँ प्रीचिंग्स, लेकिन वो उसको अपने आप, जब मैंने एक्सपीरियंस जब तक नहीं किया तब तक मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती. तो जब मैं इस ज्ञान में भी आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो था कि चलो आपको अच्छा लग रहा है आप सुन लो, मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि मेरे थॉट्स चेंज हो रहे हैं, मेरी मुझे इनर पीस आ रहा है, जैसे मेरी ना लाइफ में बिल्कुल शांति पीसफुल जैसा हो गया, जैसे मुझे किसी ने एकदम इंजेक्शन लगा दिया एनर्जी, मैं बेहोश हो गई. जैसे अब मेरी लाइफ में बाहर जो था स्टडीज का, किसी चीज़ की कोई मुझे टेंशन नहीं रही. तो जैसे मैं वो थॉट्स सुनती गई, चीज़ें एक्सप्लेन होती गई मेरे को, हर बात जो क्वेश्चंस थे एक्सप्लेन होते गए, तो कहा जाता है कि गॉड इज ट्रूथ. तो अगर वो ट्रूथ नॉलेज सुना रहा है तो वो ट्रूथ सिर्फ कहने को नहीं होगी, वो जब आप लाइफ में उसको अप्लाई करोगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आना, सबसे बड़ी जो परिवर्तन आना जो आपके अंदर, आप हैबिट्स ले लो आपकी, आज लोगों को अपने हैबिट्स चेंज करने में बहुत टाइम, आज दुखी लोग किस लिए, अपनी हैबिट्स से हैं. अब पेशेंट्स आते हैं अपनी हैबिट्स से हैं, मुझे कब पता नहीं चला कि मेरी हैबिट्स कब चेंज हो गई, जो मेरी हैबिट्स मुझे नहीं चाहिए थी, तो वो कब आपके अंदर चेंज आ गया करके, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई, मेरी स्टडीज में मुझे हेल्प मिली. और मैं पर्सनैलिटी चेंज किस वे में आपको बता रही हूँ कि जैसे कि मैं बहुत शाय थी, पेरेंट्स के कभी शेल्टर से बाहर नहीं निकली थी, तो जब मैं अपने अपने फिर अपने वर्क फील्ड पे जब एमबीबीएस में स्टडीज में पहुंची तो आई एम ए वेरी टोटल डिफरेंट पर्सनैलिटी. मैंने चीज़ों को मैनेज करना, पढ़ाई के साथ स्टडी को भी मैनेज करना, और मैं एक फेमस हो गई थी अपने कॉलेज में कि आप उनकी शक्ल देख लो कोई टेंशन नहीं है, इवन मेरा एग्जाम भी है तो उस दिन भी मैं अपनी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ये क्लास करूंगी, मेडिटेशन करूंगी, फिर देने जाऊंगी. मैंने आपके जो फियर थे, जैसे टर्मोइल में कहना चाहूंगी कि थॉट्स के लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो फिनिश हो गए जब आपने प्रैक्टिकली एक सुपरनेचुरल पावर को टच करना शुरू किया. एग्जैक्टली ये कोई कहते हैं ना, भगवान को तो कहते हैं कि वो हमारी भव सागर में फंसी नहीं है, लेकिन वो होता कैसे है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये मैंने अपनी लाइफ में देखा. एग्जैक्टली फिलॉसफी के टच में आया, बिल्कुल बिल्कुल फील किया, और मैंने देखा कि ये 100% है, ये 100% है. और 5 years मेरे थे कि मैं टेस्ट कर रही हूँ उसमें, तो मैं बहुत समय ऐसी सिचुएशंस में भी मैंने आपको डाला कि अब आओ गॉड हेल्प मी, और मैंने देखा कि वो कैसे आपको टच करता है. कि जैसे कि मेरे एग्जाम है, एक बार तो मेरे को भी याद आ रहा है इंसिडेंस कि मेरा एग्जाम किसी और सब्जेक्ट का था और मैं कुछ और पढ़ के गई थी, तो मैंने कहा अच्छा इसका है, तो मेरी फ्रेंड ना वो उनके पसीने छूट गए, तुमने तैयारी नहीं की, मैंने कोई बात नहीं हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस वहां बैठी और मैं उसके साथ कनेक्शन और अपनी कलम चलाई और बहुत अच्छा पेपर हुआ. शायद जो हम सुनते हैं भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं कि ऑल ओवर जब मैं सुनती हूँ हिंदू फिलॉसफी में ये माना जाता है कि अगर आप अपनी नैया भगवान के हवाले कर देंगे तो आप पार हो ही जाएंगे. आपका ये प्रैक्टिकल इंसिडेंस हमें ये बता रहा है. इसके अलावा एक और इंसिडेंस हुआ, एक बार मैं एक सेवा में, जैसे हमारे कैंप्स चलते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में कैंप्स हैं, ग्लोबल में गई थी, तो मेरी वापसी की टिकट थी वो एक जगह तक की थी, आगे मुझे नागपुर वापस आना था, तो किसी ने कहा कि ये कनेक्शन टिकट है चेंज कर लेना. मैं अकेली थी और वो रात को शायद मुझे कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा लगा और मैं वो ट्रेन से निकल गई. आज मुझे वो याद आता है और मैंने बैच लगाया हुआ था, मैं वहां निकल गई, 10 बजे के बात है, रात की बात है, और वो कोई मतलब ऐसे 100 या 200 किलोमीटर दूर होगा मेरे स्टेशन से. तो मुझे मैंने ऐसे टीटी को पूछा कि मैं यहां उतर गई हूं और मुझे आगे कैसे जाना है, और वो मुझे ना मुझे देख के और वो मुझे चिल्लाने लग गए करके कि तुम अकेली रात को, वो बड़े वो हो गए, उनको घबराहट हुई कि अकेली बच्ची रात को इतने स्टेशन पे उतर कहाँ जाएगी ये करेगी. और मैंने शांति से ऐसे फिर थोड़ी देर वो बोलते रहे ना, फिर उनको थोड़ा सा लगा और मुझे बिठा लिया और मुझे, मैं बिल्कुल शांत, मैंने गॉड को कहा नाउ यू विल हेल्प,
यू विल मैनेज दिस। मैं तो सेवा में गई थी, तो वो मेरे से धीरे धीरे ना, जैसे वो शांत होते गए, मेरी तरफ देखते गए, तो वो धीरे धीरे मेरे बैच को देख के मुझे पूछने लग गए कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो। और आप उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की, मुझे टिकट खरीदवाई, मुझे बिठाया, आधे रास्ते तक बिठाया और मैं आराम से वहां पहुंची। तो मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी कि वो हेल्प करता है, वो एग्जिस्ट करता है, तो उसकी एग्जिस्टेंस उसकी हेल्प से ही पता चलता है ना, जब वो कुछ करेगा, हाँ, तब की वो ट्रूथ है। आपकी इस बात से मुझे एक बात और भी क्लियर हो रही है। जैसे आज हम लोग चाहते हैं कि वुमन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, संगीर आपका जो ये इंसिडेंट है ये रिलेट कर रहा है पावर के साथ, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इसमें आपकी पावर्स भी एनहांस होते हैं? क्योंकि वुमन एम्पावरमेंट का डायरेक्ट इशू है। अगर सारी वुमन इतनी एम्पावर्ड हो जाए तो शायद मैं समझती हूँ पूरे देश भर में या पूरे यूनिवर्स में अगर वुमन इतनी एम्पावर्ड हो जाए तो आज हम जो क्राइम रेट देखते हैं शायद वो लो हो जाएगा। बिल्कुल, मैं ये देखती हूँ कि हमारे इस वर्ल्ड में यही ब्रह्मा कुमारी जो मैं इनके टच में आई, एक ऐसी संस्था है जिसका नेतृत्व भी लेडीज करती है, उन्हीं को आगे रखा जाता है। तो हम में वो उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, हर तरह की पावर देखी है। तो ये सब जो मेडिटेशन हम करते हैं तो हमारे अंदर मैंने देखा 8 पावर्स आती हैं, तो वो प्रैक्टिकली भी हमने देखा है। एक तो सबसे पहले हम जब हम एक उस हाई एनर्जी से कनेक्शन जोड़ते हैं तो हम भी एक पावरफुल हैं। तो मैं ये नहीं समझती कि मैं एक लेडी हूं, आई एम ए वीक। वो उस वक्त मुझे ये नहीं लगा कि आई एम ए वीक, आई एम ए लेडी। मैंने सोचा मेरे साथ तो गॉड इज राइट, क्योंकि आपके इंसिडेंट से मुझे लग रहा है कि जैसे पावर ऑफ पेशेंस आप में थी, क्योंकि आपने पेशेंस को मेंटेन किया, बिकॉज़ एक नॉर्मल फीमेल है या मेल भी है तो उस टाइम उसको लगेगा कि रात का टाइम है, व्हाट शुड आई हैव टू डू, बट आपने पावर ऑफ पेशेंस को यूज किया। नेक्स्ट टू दैट आपने पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर को यूज किया, इट्स ए वेरी गुड थिंग। तो मैं जानना चाहूंगी कि एज ए डॉक्टर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में डेली पेशेंट से मिलना है तो एक इमोशनल क्राइसिस का एक जोरदार, मैं समझती हूँ, अप्स एंड डाउन ग्राफ रहता है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, आप अगर देखो तो आज तो दुनिया में कितनी नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, क्या कुछ है, लेकिन जब हम हॉस्पिटल के वातावरण में आते हैं तो वहां तो वो हब है, सबसे ज्यादा है वो एटमॉस्फेयर। उसमें जो अपने आप को पेशेंट्स तो है ही है, वो कोई भी खुशी से तो आएगा नहीं करके, वो अपने वाइब्रेशन, नेगेटिव, दुख, दर्द सब लेके आएगा साथ में। तो उस वातावरण में भी अपने आप को स्पिरिचुअली साउंड रखना, अपने आप को हेल्दी रखना और फिर उनकी भी सेवा करना, तो ये जो पावर है, ये राजयोग का जो निरंतर अभ्यास है, इससे मैंने देखा कि बहुत ज्यादा मतलब फील हुआ। और मेरे जो क्लीग हैं, पेशेंट्स हैं, वो सब फील करते हैं कि भाई हाँ, कुछ तो इनसे मिल रहा है। कुछ लोग जैसे आपकी ट्रीटमेंट की फ्री डे, फ्री टाइम है, तो वो पूरा अपनी लाइफ की हिस्ट्री, कुछ भी अपना दुख दर्द सुनाना शुरू कर देते हैं, तो मैं बड़े आराम से सुनती हूँ। तो ये जो चीज है, ये सिर्फ राजयोग के मेडिटेशन अभ्यास से हमारे अंदर जो एनर्जी आती है, लिसनिंग पावर, दूसरे के इमोशंस को समझना, उसको टैकल करना। इमोशन तो पेशेंट्स तो ऐसे होता है, उस वक्त तो पेशेंट्स का इमोशन इतना हाई होता है कि अगर आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करो तो बड़ा मुश्किल होता है उनको समझाना। तो पहले तो हमारे वर्ड्स में इतना आपके अंदर प्यार, उसके अंदर वो वर्ड्स ही ताकत है जो उनको जाती है, जो वो समझ पाते हैं, आपको समझ, आप कन्विंस कर पाते हो कि उनके लिए सही, वो सही गलत भी उस पर कन्विंस नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत, हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे हमारे पास, मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, तो क्या होता है कि जब पेशेंट ब्लाइंड, कैटरेक्ट एक तरह से चली गई नजर, लेकिन जो लोगों की बचपन से नजर जाती है और जो लोगों की कैटरेक्ट के बाद नजर जाती है, उसमें क्या होता है कि वो साइकोलॉजिकली उनको बहुत साइकेट्रिक टाइप पेशेंट्स हो जाते हैं वो। तो उनको कन्विंस करना, उनका ऑपरेशन कराना, उनको ले जाना, उनकी हेल्प करना, वो बहुत, उनको कुछ नहीं हो रहा, सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे में हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स आए करके, तो आप उनको बस उनका हाथ पकड़ लो, उनसे वो आपकी वॉइस, उनके सेंसेस और बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो वो आपकी वॉइस को पहचानते हैं, उनसे आप एक रैपो, प्यार से उनको स्नेह से पकड़ के कि कुछ नहीं है, आपको 10 मिनट लेटना है। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन करवाए और जब नेक्स्ट डे जब उनकी पट्टी खोलते हैं तो वो उनकी खुशी होती है, जो हमें मिलती है, उनकी दुआएं मिलती हैं, तो उनको जो दिख रहा होता है ना, तो उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। वो आपकी बात से मैं ये परसीव कर पा रही हूँ कि राजयोग मेडिटेशन का इम्पैक्ट सिर्फ आप पर ही नहीं है, आपकी ही फिजिकल हेल्थ पर नहीं है, समवेयर इट्स रिलेटेड टू योर पेशेंट आल्सो, कि आपके पेशेंट्स पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप जैसे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में जाते हैं तो उस टाइम हो सकता है कि आप भी इरिटेटेड हो जाए, लेकिन जिस तरह से आप मुझे बता रहे हैं तो ये मुझे भी बन रहा है, मैं विजन बना पा रही हूँ कि आपके पेशेंट्स के साथ आप कभी इरिटेट नहीं होते होंगे बिकॉज ऑफ राजयोग मेडिटेशन। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को ना प्राइवेट उनका ऑपरेशन करवाना चाहता है और मोस्टली डॉक्टर्स भी उनको वो कर देते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम इनको हैंडल करेंगे,
करके okay. तो ये जो एक चीज आई है ये तो मेरे क्लीग भी समझते हैं कि ये हम जो राजयोग का अभ्यास करते हैं मेडिटेशन करते हैं इससे हमारे अंदर लोगों को समझने की उनको कन्विंस उनको प्यार से चलाने की उनको एक एक ये देने की अपनापन देने की जो भावना है क्योंकि हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं ना हम आत्मा है तो उस नजरिया से जब हम उनको देखते हैं कि ये भी हमारा बच्चा है करके है ना तो वो रेडी हो जाते हैं उनको फेथ हो जाता है हमारे ऊपर क्योंकि हमारे प्रोफेशन में फेथ डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में फेथ वो ना बहुत जरूरी है तो ये फेथ की तो ऐसी बात है कि जितना अगर कॉम्प्लिकेटेड केस भी होगा और पेशेंट को फेथ है तो वो इतना अच्छा हो जाएगा बहुत अच्छा केस हो जाएगा. मैंने ऐसे शुरू शुरू में बिगिनिंग में ऐसे केसेस किए हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे जो कहते थे कि हम बड़े बड़े हायर इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे लेकिन वो फेथ था. अब वो फेथ टॉकिंग से हुआ कैसे हुआ वाइफ से हुआ लेकिन उनको पॉजिटिव वाइफ से फेथ मिला और उन्होंने उनका बड़ा सक्सेसफुल रहा. क्या आप मुझे वाइब्स के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे आगे कि राजयोग का मेडिटेशन वाइब्स कैसे आपके चेंज करता है. हम थॉट्स मेन सारा थॉट्स है तो हम यही देखते हैं कि जैसे आज जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब थॉट्स की प्रॉब्लम्स है ना सारी थॉट्स थॉट्स इज एनर्जी तो वो कैसी भी जनरेट कर लो. जब हम इस अभ्यास या टीचिंग्स को लेना शुरू करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं पॉजिटिव भी नहीं कहूंगी इट्स पावरफुल थॉट्स वेरी पावरफुल थॉट्स मिलते हैं और वो पावरफुल थॉट्स के साथ आपको उनको उनको अप्लाई करने की हाउ टू सस्टेन दैट थॉट्स उसकी पावर भी मिलती है जब हम उस परम पिता या सुप्रीम सोल से कनेक्शन जोड़ते हैं तो वो जो हम उस थॉट्स में रहते हैं तो जैसे हम थॉट्स जब हम थॉट्स कुछ भी हम सोच रहे हैं तो वो एनर्जी तो चल रही है ना अच्छा सोच रहे हैं बुरा सोच रहे हैं वो एक ऑरा बना रही है जी. हाँ तो वो पावरफुल थॉट्स तो क्या ये पावरफुल थॉट्स आप हफ्ते में एक बार सुनते हैं या मंथ में एक बार सुनते हैं. नहीं 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 ये थॉट्स तो हम डेली सुनते हैं डेली हम अपनी क्लासेस करते हैं सुबह क्लास करेंगे और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम मेडिटेशन करेंगे लेकिन इसका इतना अच्छा है ये ज्ञान इतना सिंपल है कि इतना कि मुझे लगता है कि जैसे अब लोग भक्ति में जाते हैं तो कर्म कांड करते हैं ना कितने सारे सामान चाहिए ये चाहिए ये ड्रेस चाहिए ऐसे कपड़े चाहिए तो या आपको ऐसे बैठना है ऐसे आसन करना है या आप इस समय नहीं कर सकते इस स्थिति में नहीं कर सकते इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. Being a doctor, you have to do morning, evening and night shift. बिल्कुल हम इतने बिजी रहते हैं तो बिल्कुल हम इतने बिजी रहते हैं कि हमें अगर कहा जाए कि आप जी सुबह उठ के या ये कपड़े पहन के या फलानी जगह जाओ पैदल जाओ तो हमारे लिए नियमित रूप से करना बहुत मुश्किल है. लेकिन ये इजी इतना इजी राजयोग है कि मैं अपनी चेयर पे बैठ के अपनी ओपीडी में भी बैठ के एक सेकंड के लिए एक मिनट में भी उसका अभ्यास कर सकती हूँ करके. तो इट्स सो सिंपल इट्स सो इजी मतलब ऐसा रास्ता ऐसा पाथ जो बिल्कुल साइंटिफिक है. मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं ब्लाइंडली फॉलो कर रही हूँ. हर चीज की एक्सप्लेनेशन है हर बात की. जैसे हम सुबह अमृत वेला करते हैं तो एक्सप्लेनेशन है कि उस वक्त हमारे जो बॉडी में इतने अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं कि आप दिन भर आप किसी भी प्रॉब्लम से आप उसको फेस कर सकते हो. मींस टू से आप ये कहना चाह रही कि आप मॉर्निंग में अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेती हैं बैकअप. हाँ. जैसे आप सर्जरी के लिए बैकअप प्रिपेयर करती हैं उसी तरह आप अपनी डे लाइफ के लिए भी बैकअप प्रिपेयर कर लेती हैं. बिल्कुल बिल्कुल मेंटल फॉर्म में ताकि आप पूरे डे को चैनलाइज कर सकें. बिल्कुल इजंट इट राइट. अच्छा अब मैं ये जानना चाहूंगी बिकॉज अब हम सभी मैं ये कहूंगी पूरा विश्व एक ऐसी त्रासदी से निकला है दैट इज कोविड राइट कोविड 19 के टाइम में आपको राजयोग का मेडिटेशन से क्या हेल्प मिली. मैं तो कहूंगी कि वो समय जब मैं याद करती हूँ तो अगर इस मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को मेंटल ब्रेकडाउन होते देखा है उनको बहुत ज्यादा परेशानियों में हम ड्यूटीज नहीं करेंगे कैसे कैसे वो बहाने कितना ज्यादा हमारा जो कॉलेज एवोक. हाँ तो सबको इनसिक्योरिटी पैनिक फियर हर एक को अपनी लाइफ सबसे प्यारी होती है और कैसे भाई और वो तो चलो था ही डॉक्टर्स को था ही लेकिन लोगों जो पेशेंट्स थे वो मतलब कोई हम एक प्रोटोकॉल था कोविड का कि ये सेट वो है इसमें जो बचेगा वो बचेगा जो नहीं होगा तो उसका कुछ नहीं कर सकते करके ना प्रोटोकॉल सेट है कितने टाइम लिमिट में पेशेंट हमारे पास आ रहा है करके तो उस ढंग से हमें बचाया जा सकता है. तो और हम लिमिटेड स्टाफ है तो हमारा कॉलेज पूरा डेडिकेटेड था तो वहां पे जो वाइब्स थे उस वक्त वाइब्रेशन थे जब फर्स्ट की लहर आई थी तो वो इतने नेगेटिव वाइब्रेशंस थे तो उसमें मैंने बहुत अभ्यास किया मेडिटेशन का. हमें बीच में ब्रेक्स होती थी 7 डेज की ड्यूटी है तो 7 डेज आपको ब्रेक होगी तो उसमें हमने बहुत कलेक्टिव मेडिटेशन का भी अभ्यास किया राजयोग मेडिटेशन का और सारा थॉट्स है तो थॉट्स के जो हम जैसे अच्छे थॉट्स चलाते हैं तो वो फील होता है तो मैं यही हम थॉट्स चलाते थे कि जो हर सोल है जो पेशेंट्स है उनको वो पीसफुल रहे पीसफुल है तो उसकी हीलिंग हो रही है. क्योंकि फियर जो है जो फियर सबसे बड़ी जो बीमारी है
ये बहुत अच्छे देखा गया कि कोई बहुत ही क्रिटिकल इल है पेशेंट, लेकिन वो बहुत फियरलेस है, एकदम शांत है, वो बच जाते थे. लेकिन यंग पेशेंट जिनको बहुत थोड़ा सा है और वो बहुत डर के कि अब थॉट्स, अब उसने थॉट चला लिया कि मैं नहीं बचूंगा, तो हमने उसको साइकोलॉजिकली हैज डेवलप्ड अ बिलीफ, राइट? हाँ, फिर नहीं वो बचते थे करके. तो पेशेंट्स को ये देना कि हौसला देना कि कुछ नहीं, आप ठीक हो जाओगे करके. और उसके साथ उसके अटेंडेंस भी बड़े जरूरी है, क्योंकि उनका तो कोई किसी का अर्निंग का जा रहा था, जो बच्चा अर्न कर रहा है ना, तो वो भी उनको भी मतलब पॉजिटिव रहो, भी अच्छा सोचो वो वातावरण. फिर जो हमारे जो स्टाफ थे, हम कितने एग्जॉस्ट हो गए थे ड्यूटियां देके. तो हम लोग ऐसे, हमने एक नोशन बनाया था कि हमें कहती थी हैप्पीनेस इज इम्यूनिटी, हमें कुछ नहीं होगा, वी आर हैप्पी. और हम उसी माहौल स्टाफ में आपस में एक उसकी तरह हम ड्यूटियां देते थे, तो बड़ा मजा आता था हमें. तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या आपको कभी ये फियर नहीं हुआ कि अगर मैं शरीर छोड़ दूं कोविड के चलते, कोई पेशेंट मेरे आमने सामने आता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ डिजीज को, कॉन्टेजियस थी इट वॉज, तो क्या आपको नहीं लगा कि मैं शरीर छोड़ दूंगी? बिल्कुल ऐसा जब हमारी ड्यूटी शुरू हुई थी, फर्स्ट थॉट तो यही आता है कि भाई मेरे को होगा तो मैं सीवियर में चली जाऊंगी तो कैसे होगा करके. तो मैंने उस फियर को ऐसा, ये थॉट, अब ये थॉट्स चलाए करके कि देखो, पहली बात मैंने ये कहा कि होगा नहीं. Okay. पहले तो सोचना ही नहीं कि होगा, वी टेक फुल प्रिकॉशंस, बिकॉज़ एज़ वेल यू वर सेइंग दैट कि आपको पावरफुल थॉट आप डेली पढ़ती हैं, हाँ. शायद उसका कारण था कि आप पावरफुल डेली थॉट भी लेती थी कि मुझे होगा ही नहीं. हाँ, आप अपनी इम्यूनिटी इस लेवल पे बना रही थी, आप मेंटली सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दे रही थी लगातार कि मुझे होगा ही नहीं, तो इम्यूनिटी चैनलाइज हो रही थी. क्योंकि कोविड जो था, अगर आप उसको अभी हम असेस करते हैं, अभी तो बहुत कुछ जानते हैं उसके बारे में, तो वो सारा इम्यूनिटी का खेल था, सारे इम्यूनिटी ही. एक तो वो क्या है, छोटा सा जुकाम है, लेकिन वो जुकाम में जब लंग्स में इम्यूनिटी अपनी ही खिलाफ लड़ती है, तो वो पूरी लंग्स को डैमेज कर देती है, तो सारा खेल इम्यूनिटी का था. बट उतने ही पावरफुल वे में आप राजयोगा मेडिटेशन को यूज कर रही. बिल्कुल मैं ये अभ्यास करके जाती थी कि एक सुरक्षा कवच बनाए मेरे चारों ओर. तो कोविड का जो वायरस है, वायरस क्या है, वायरस एक नेगेटिविटी है, हमारे थॉट से ही तो वो सारा चैनल. आप वो थिंग्स कलेक्ट कर रहे हैं. अगर आप नेगेटिव कलेक्ट कर रहे हैं तो आप नेगेटिव थिंग्स को कलेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं तो मैं आपसे ये समझ पा रही हूँ डॉक्टर साहब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप फिर पॉजिटिव थिंग्स कलेक्ट कर रहे हैं. बिल्कुल. लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके पेरेंट्स आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं. वो तभी से सपोर्ट कर रहे हैं जब उन्होंने मेरे अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन देखा. पहले तो जैसे अभी एकदम सडन चेंज होते हैं तो सबको फियर होता है कि ये सन्यासी बन गए या ऐसे बन गए, लेकिन ये सन्यासी नहीं है. हम लोग जो, मैं तो कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग भगवान में बेस्ट बना रहा है, बेस्ट एक्टर बना रहा है, वो कुछ भी नहीं छुड़वाया मुझसे. मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं और मैं अपना प्रोफेशन भी कर रही हूँ, स्पिरिचुअल भी कर रही हूँ, और हर चीज में बैलेंस में करके. तो लाइफ एक, जैसे कहते हैं ना कि स्वर्ग तो चलो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ भी हमें वो महसूस था होती है कि हमारी लाइफ इट एज अ हेवन नाउ. हाँ, मतलब मेंटेन के गुड रिलेशंस विद एवरीवन, ए गुड रैपो विद एवरीवन, राइट? बिल्कुल. वेदर इट्स पेशेंट, वेदर इट्स योर पेरेंट्स, सॉरी. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन. हम वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स जब देखते हैं डॉक्टर साहब, तो वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स गिरता जा रहा है. इट्स नॉट अबाउट इंडिया ओनली, यूएस का भी गिरता जा रहा है, इंडिया का तो बहुत ही डाउन चला गया है. तो आप क्या देना चाहेंगे लोगों को, एक राय ऐसी जिससे उनकी हेल्थ इंप्रूव हो? क्या वो राजयोगा से जुड़ा हो सकता है? क्या ऐसा कुछ आप अपनी ऑडियंस को देना चाहते हैं मैसेज? बिल्कुल. आपने कहा कि आपने राजयोगा से बहुत बूस्ट किया अपनी हेल्थ को, एज वेल एज आपके पेशेंट्स को, आपके कलीग्स को, आपके पेरेंट्स को. तो क्या आज आप हमारी ऑडियंस को भी ऐसा मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, जैसे कहेंगे तो वैसे तो ये आर्ट ऑफ लिविंग है. लेकिन जब आप बीमार होते हो, तो मैंने अपने आप खुद देखा है कि जब मैं बीमार हुई या कभी भी ऐसे क्रिटिकल हुई, तो मेडिटेशन जो है, जब आप मेडिटेशन, आपको बहुत पावरफुल, बीमार कौन है, बॉडी है, सोल तो बीमार नहीं है करके. तो पहला थॉट ये है कि मैं तो बीमार नहीं हूँ, इट्स माय बॉडी जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, डिस ईज, मतलब बॉडी की ईज खराब हुई है, तो मैं अपनी ईज को क्यों वो करूं. तो पहला पावरफुल थॉट है कि मैं एक स्वस्थ आत्मा हूं. तो वो जो पावरफुल थॉट है, तो मेडिटेशन से हमारी हीलिंग जो होती है वो फास्ट होती है. बॉडी की कुछ भी है वो हीलिंग फास्ट होगी, फर्स्ट. और दूसरा, आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो ना, वो भी आपका जो टाइम इंटरवल है वो भी कम हो जाता है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने पेशेंट्स को भी देखा है कि हम पॉजिटिव रहते हैं तो बहुत जल्दी रिकवर होते हैं वो, और उनकी पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है, और उनको लगता ही नहीं कि हम इतनी बड़ी बीमारी से बाहर भी होके आए हैं, और मेडिसिन भी मिनिमम खानी पड़ती है.
इट्स अ काइंड ऑफ, अगर आप पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं, अगर वो राजयोगा मेडिटेशन करता है तो इट्स आइसिंग ऑन अ केक, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. और आप डॉक्टर्स को कुछ मैसेज देना चाहती हैं, बीइंग ए डॉक्टर, अ सक्सेसफुल डॉक्टर, आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर्स? आज की तो ये जो आर ऑफ नीड है, अगर डॉक्टर्स को मेडिटेशन, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, है ना, क्योंकि हम सबका स्ट्रेस ले लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या तरीका निकालें कि हम सबका स्ट्रेस अब्सॉर्ब ना करें बल्कि उनके स्ट्रेस को खत्म करें करके. तो मेडिटेशन जो है अपने आप के मन को भी स्टेबल बनाए रखता है, वो सारे सिचुएशंस को कवर, जैसे भी सिचुएशंस में हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस में हैं, उसमें माइंड की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कई बार क्विक डिसीजन लेना है. तो मेडिटेशन जो है अपनी जो कामनेस है, पीसफुलनेस है, स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, तो हम लोग करेक्ट डिसीजन ले पाते हैं. तो वो पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल होता है, आप भी सेफर साइड रहते हो. तो इसलिए आवर ऑफ नीड है कि हम सब मेडिटेशन सीखें. ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी, आप सबने सुना कि एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, बीइंग अ डॉक्टर, सी इज प्रैक्टिसाइजिंग मेडिटेशन डेली. एंड मच ओवर जो हम लोगों ने इससे सीखा, पर्सनली जो मैंने सीखा, मैंने देखा कि इट्स नॉट ओनली कि हम मेडिटेशन से सिर्फ अपने आप को ही बूस्ट कर रहे हैं, बट वो कम्युनिटी में एक बहुत अच्छा योगदान दे पा रही है, एक सेवियर के रूप में हेल्प कर रही है कम्युनिटी की. और ऐसे जैसे बहुत सारे आज इश्यूज हमारे सामने उभर रहे हैं, चाहे वो वुमन क्राइम के हैं, चाहे चाइल्ड अब्यूज के हैं, अगर इस तरह से अगर हम किसी को मेडिटेशन सिखा रहे हैं, जितना अच्छा इम्पैक्ट उन्होंने राजयोग का मेडिटेशन का बताया, उन्होंने बताया कि उन्होंने ये सब प्रैक्टिकली सीखा, इट्स अ ऑल अ साइंस. उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं लगा कि मुझे ये 4 बजे प्रैक्टिस करना है, ये 3 बजे प्रैक्टिस करना है, मुझे ये कपड़े पहनने हैं, देयर इज लाइक कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो ये इजी है बीइंग अ डॉक्टर की वो फील्ड में कभी भी है, 6 बजे ड्यूटी पे है तो वो 7 o'clock आके मेडिटेशन कर सकती है. तो शायद मैं समझती हूँ ये उतना ही इक्वली एप्लीकेबल है हमारी जनरेशन के लिए, हमारे यूथ्स के लिए, हमारे पेशेंट्स के लिए जो कई तरह की बीमारियों से उलझ रहे हैं, तो वो भी मेडिटेशन करके अपने आप को उभार सकते हैं. कहीं उन्होंने ये भी कुछ बताया बातों ही बातों में, उन्होंने कहा कि वाइब्रेशंस का इम्पैक्ट बहुत अपने उन्होंने क्लीग्स में देखा, अपने पेशेंट्स में देखा. तो मैं समझती हूँ जब हम सभी, क्यों ना हम सभी मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमें सिर्फ मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, रेगुलरली हमें कहीं जाना नहीं है, हमें सिर्फ अपने ही घर पे बैठ के एक मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है. तो वो जो वाइब्रेशंस का रोल इन्होंने हॉस्पिटल में प्ले किया, इन्होंने देखा कि साइंटिफिकली जो इनके वाइब्रेशन थे कूलनेस के, कामनेस के, वो इनके पेशेंट को इम्पेक्ट कर रहे थे, इनके क्लीग्स को इम्पेक्ट कर रहे थे. तो आज हम सभी भी, हमारी माताएं, हमारे भाई, जितने भी लोग हमारे पॉपुलेशन में हैं, वो सभी इसको यूज कर सकते हैं और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं. मोर देन दिस, उन्होंने एक बात यूज की, पावरफुल थॉट्स की. उन्होंने कहा कि जिस तरह मैं भोजन लेती हूँ डेली, मैं जो यूज करती हूँ खाने में, लाइक इक्वली एज दैट मैं अपने माइंड को भी पावरफुल थॉट्स देती हूँ. तो मैं समझती हूँ उनकी ही बातों से निकाल के क्रक्स निकलता है कि साइंटिफिकली अगर मैं डेली बूस्ट कर रही हूँ अपने आप को पावरफुल थॉट्स के साथ, तो ये 100% श्योर है कि मैं सक्सेस के एक हाई मुकाम पे पहुंचूंगी ही पहुंचूंगी. सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे गली मोहल्ले और अपने देश का भी नाम ऊंचा करूंगी अगर मैं रेगुलरली ये प्रैक्टिस करती हूँ. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर जी आपसे मिलके, इट वॉज अ वेरी नाइस. एंड इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगी. थैंक यू सो मच. ओम शांति. थैंक यू. ओम शांति.